वैसे तो हमारे देश में डरावनी और भूतिया जगहों की कमी नहीं है, लेकिन इनमें भी कुछ जगहें इतनी डरावनी है कि वहाँ रात को रुकने पर डर के कारण ना केवल आपकी चीखें निकल सकती हैं, बल्कि आपकी रूह भी कांप जाएगी। कई कमज़ोर दिल वालों की तो यहाँ पर मौत भी हो चुकी है। इसी वजह से सरकार ने शाम होते ही इन जगहों पर जाने से मना किया हुआ है। चलिए भारत के 10 ऐसे ही सबसे डरावनी जगहों के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, भानगढ़ किला, राजस्थान। देश का सबसे डरा देने वाला महल है भानगढ़। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब भी यहाँ मकान बनाया गया, उस मकान की छत गिर जाती है। आधिकारिक तौर पर यहाँ अंधेरा होने के बाद अंदर जाना मना है। लोगों का कहना है कि इस महल में जो भी रात को अंदर गया, वह व्यक्ति कभी भी वापस नहीं आया। नंबर 2, दमास बीच, गुजरात। एक ज़माने में यह हिंदुओं के अंतिम संस्कार की जगह हुआ करता था। आज यह वीरान पड़ा हुआ है। माना जाता है कि लोग यहाँ से रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं और कभी नहीं मिलते। गुजरात के दमास बीच पर आज भी लोगों को चिल्लाने और बातें करने की अजीबोगरीब आवाज़ें आती है। नंबर 3, ब्रिज राजभवन पैलेस, राजस्थान। महल से एक हेरिटेज होटल में तब्दील हुआ कोटा का यह ब्रिज राजभवन पैलेस एक ब्रिटिश भूत के होने की कहानी कहती है। बताया जाता है कि 1857 की क्रांति में मेजर बुल्टन इसी भवन में मरा था, जो आज भी भूत के रूप में आकर गार्ड्स को थप्पड़ मारता है। नंबर 4, डिसूजा चौल, मुंबई। कहा जाता है कि इस चौल में स्थित कुएं में एक महिला पानी भरते समय गिरकर मर गई थी। लोग कहते हैं तब से यह महिला रोज रात कुएं के आसपास आती है और ऊंची आवाज़ में बैठकर बातें करती है, हालांकि यह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। नंबर 5, शनिवारवाड़ा फोर्ट, मुंबई। शनिवारवाड़ा फोर्ट का निर्माण मराठा साम्राज्य को बुलंदियों पर ले जाने वाले बाजीराव पेशवा ने 1746 में इस महल का निर्माण किया था। स्थानीय लोग कहते हैं कि इस महल से आज भी अमावस की रात एक दर्द भरी आवाज़ आती है, जो बचाओ बचाओ पुकारती है। यह आवाज़ उस व्यक्ति की है जिसकी हत्या इस महल में कर दी गई थी। कहते हैं हत्या के बाद उसके शव को नदी में बहा दिया गया था। प्रचलित कहानियों के अनुसार बाजीराव की मृत्यु के बाद राजनीतिक दांव पेच और सत्ता के लालच में 18 साल की उम्र में नारायण राव की भी हत्या इस महल में कर दी गई थी। आज भी नारायण राव अपने चाचा राघोबा को पुकारते हैं। उनके चाचे राघोबा को उनका संरक्षक बनाया गया था। माना जाता है कि राघोबा पूरे शासन पर अपना राज करना चाहते थे, इसलिए उन्हीं के इशारे पर नारायण राव की हत्या कर दी गई थी। इस महल में 1828 में रहस्यमय तरीके से आग लग गई थी और महल को काफ़ी हद तक नुकसान भी पहुंचा था, परंतु आज भी यहां आने वाले लोगों को भूतिया अनुभव होता है। विशेष तौर पर अमावस की रात को यहां से आवाज़ें आती है। नंबर 6, जीपी ब्लॉक, मेरठ। मेरठ के कैंट क्षेत्र में स्थित यह बंगला मेरठ और आसपास के इलाके में भूतिया नाम से मशहूर है। यूँ तो यह बंगला किसी ज़माने में शहर का शान हुआ करता था, लेकिन अब यह पुराना और जर्जर पड़ चुका है। मेरठ के इस भूतिया बंगले के देश के 10 सबसे ज़्यादा डरावनी जगहों में शुमार किया जाता है। लोग कहते हैं कि इस महल में लाल रंग की साड़ी पहने हुई औरत कभी बिल्डिंग के ऊपर तो कभी नीचे दिखाई पड़ती है, और इस महल में मोमबत्ती की रोशनी में 4 लड़के भी शराब पीते हुए देखा गया है। नंबर 7, दिल्ली कैंट। कंटोनमेंट रोड दिल्ली की सबसे भूतिया जगह मानी जाती है। लोगों का कहना है कि रात के समय यहाँ पर एक औरत सफ़ेद साड़ी में दिखाई देती है। लोगों का मानना है कि शायद इस औरत की किसी दुर्घटना में मौत हो गई होगी, तब से यह उसकी आत्मा उस इलाके में लोगों से मौत की गुहार लगा रही है। जो रात में यहाँ से गुजरने वाले मोटरसाइकिल और कार सवारों से लिफ्ट मांगती है। कहते हैं जिन लोगों ने इस महिला को लिफ्ट दिया है, आज तक उसका कोई पता नहीं चल सका है। अगर कोई व्यक्ति उसके लिफ्ट मांगने पर नहीं रुकता है, तो वह गाड़ी की रफ्तार के साथ भागते हुए उस आदमी का पीछा करती है और उसे गिरा देती है। नंबर 8, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। बताया जाता है कि रामोजी फिल्म सिटी की जगह पर बरसों पहले एक युद्ध लड़ा गया था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। बताया जाता है कि यहाँ लाइट अपने आप ऊपर से नीचे गिर जाती है और कपड़े अपने आप फट जाते हैं। माना जाता है कि ये भूत लड़कियों को ज़्यादा तंग करते हैं। नंबर 9,
राज किरण होटल मुंबई। लोगों का कहना है कि इस होटल के ग्राउंड फ्लोर में अजीबोगरीब बातें होती है। जो लोग इनमें रहने आते हैं उन्हें आधी रात में कोई जगाता है। जब वे उठते हैं तो उन्हें चमकीली नीली रोशनी पैरों पर पड़ती है और कुछ लोग तो यहाँ रात में सोते समय बेडशीट खींचने का भी बात करते हैं। नंबर 10, सिवाय होटल मसूरी। उत्तराखंड के मसूरी में मौजूद एक बहुत ही फेमस होटल है जिसका नाम है द सिवाय होटल। सिवाय होटल इंडिया के सबसे लग्जरी होटलों में से एक है। 1911 में इस जगह पर एक ब्रिटिश अध्यात्मवादी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी, जिसका साया आज भी उस होटल में रहता है। जो गेस्ट वहाँ रुकते हैं वो वहाँ के दरवाजे अपने आप खुलने और वहाँ की वस्तुएँ अपने आप हिलने की भी बातें करते हैं। कुछ लोग ने तो एक औरत को भी देखा है जो सीढ़ियाँ पर टहलते रहती है। जो लोग वहाँ रुकते हैं वो डरावने सपने आने का भी दावा करते हैं। इनमें से कौन सा जगह आपको सबसे ज़्यादा डरावना लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको ऐसे ही साइंटिफिक वीडियो मिलते रहे।